came here to party. I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, nah. I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Alright, welcome back to my channel, Indian Egg Cowboy, back with a new video. तो आज के वीडियो में मैं गाइस अपना जो बालकनी कोई फिश पॉन्ड है उसको साफ़ करने वाला हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी गंदगी दिख रही है इसमें, तो इसको आज हम साफ़ करेंगे, इसके बारे में डिटेल करेंगे, थोड़ा बहुत इसका प्लान चेंज करूँगा मैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब क्लीनिंग प्रोसेस कर रहा हूँ आपको दिखाऊँगा, और सबसे बेस्ट पार्ट होने वाला जो आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो पूरा देखिए, वो ये है कि इसका मैं 30-40% पानी इसमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और सारी फिशेज को निकालने से पहले आपको दिखाऊंगा, फिर इसमें ट्रांसफ़र करूंगा ताकि इसकी सफाई रुके, फिर हम दोबारा इनको ट्रांसफ़र बैक करेंगे, तो दैट विल बी द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। तो चलो जल्दी से साफ करना स्टार्ट करते हैं। पॉन्ड को करना है, इसके फिल्टर को क्लियर करना है, और सारी फिशेज को मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले हम करते हैं वाटर को इसमें भरते हैं, और फिर फिशेज को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस पानी को अब हम भर रहे हैं और स्टार्ट करते हैं। चला दो। तो ये पानी मैं इसी का भर रहा हूँ ताकि जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो उनको कुछ चेंज ना हो और बीमार ना पड़े, फिर हम उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो गाइस अंदर जाने का समय आ गया है, और आई नो पिछली बार आप बोल रहे थे, तो देखिए मैं पैर धो के ही जाता हूँ हर बारी और इसके अंदर और फोन के अंदर, क्योंकि मेरे को घुसना ही पड़ेगा, ऐसे मेरे को काफ़ी सारा सामान निकालना है, तो पैर धो के निकाल रहा हूँ, पैर भी अपना बचा के रखना पड़ेगा। पूछा किसी ने? तो सबसे पहले निकालते हैं हम अपनी ओरिजिनल जापानीज कॉइन, जो ओरिजिनल है, ये देखिए, ये है हमारी ओरिजिनल जापानीज कॉइन सुशुई, पहले से बड़ी हो चुकी है, वाव इतनी प्यारी दिख रही है गाइस। ये है हमारी छोटी वाली शॉक, पहले से तो बड़ी हो गई है, बट इट्स नॉट दैट इजी गाइस, जितना लग रहा है कि आराम से निकाल लेंगे, काफ़ी भागती हैं, काफ़ी स्पीड में है, जैसे मुझे लग रहा था कि इजी होगा इनको पकड़ना, इट्स नॉट दैट इजी। ये है हमारी एक और, मेरी एक और बहुत प्यारी सी रेड सुप के, तो गाइस काफ़ी टाइम लग रहा है इनको पकड़ने में, और पानी देखिए धीरे धीरे बहुत गंदा हो गया है, तो इसमें अब देखिए विजिबिलिटी भी कम हो गई है, तो उससे पहले इसमें जो मेरी गुरामीज हैं वो दिखना बंद हो, तो इनको भी जल्दी से डाल देता हूँ। ये है हमारी बटरफ्लाई कोई, ये भरी नहीं रही है, ये जितना लाया था उससे थोड़ी सी इसके फिन्स अच्छी है, देखिए कितने प्यारे फिन्स हो गए, बट ग्रोथ नहीं हो रही इसके बॉडी। ये एक बड़ी प्यारी फिश है, देखो पहले से इसका साइज काफी बड़ा हो गया गाइस, पहले ये छोटी सी थी, अब ये बड़ी गाइस, ये सबसे बड़ी वाली है, ये प्रशांत मेरा दोस्त था उसकी थी, अगर प्रशांत अगर ये वीडियो देख रहा है तो देख ले तेरी फिश अभी भी सही है, और देख ले बिल्कुल मस्त कर रही है। ये देखो ये है हमारी बटरफ्लाई कोई, काफ़ी प्यारी इसके फिन्स दिखे गए, ये बहुत प्यारा कलर है, वाइट एंड ब्लैक, अरे इसमें ये गप्पी कहाँ से आ रही है, ये देखिए ऐसे इसमें गप्पी निकल गई है, इसको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, मेरी एक और, ये आई बड़ी मुश्किल से, वाओ लुक एट द साइज एंड कलर गाइस, वाओ ये लिटरली इतनी सी लाया था मैं इनको, हाँ हाँ डाल रहा हूँ, ये देखिए वाओ, ये देखिए वाओ, look at the size and color,
गाइस ये है पूरी कलेक्शन और कितनी प्यारी पूरी लग रही है इसमें आप देखिए आके। तो ये देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ पास में आज, और ये है पूरी कलेक्शन जो पॉन्ड के अंदर रहती है। तो आप देख नहीं पाते होंगे, सिल्वर टेरिफॉइंस देखिए कितनी प्यारी है। ये हमारी ओरिजिनल जापानीज को ही है और ये सब है, कितना प्यारा लग रहा है। और अब बारी है इसको पूरा क्लियर करेंगे और इस फिल्टर को क्लियर करेंगे। ये देखिए गाइस, लेट्स गो। तो गाइस आपको बस दिखाना चाह रहा था, देखिए ये जो मनी प्लांट और इसका फिल्ट्रेशन क्यों अच्छा काम करता था। ये देखिए इसके रूट्स कितने सारे, पूरा रूट्स ही जमा हो गए हैं। ये देखिए पूरा रूट्स अच्छे से, तो इनकी वजह से फिल्ट्रेशन होता रहता है। जो आप देख सकते हैं ये पूरे रूट्स इसके अंदर हैं, और अब इसी को निकाल रहा हूँ इन रूट्स को, और इनको पूरा सफाई करनी है। तो गाइस मैंने अभी इसमें लगा दिया है अपना एरिएटर, आई मीन एयर बबल, ताकि क्योंकि ये काफ़ी टाइम रहेंगे और ये एरिया कम है तो इनको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। तो ये बाकी वहाँ से फिल्टर निकाल दिया है, बस सफाई चालू है। तो गाइस देखिए कितनी गंदगी निकल रही है इसके पॉन के अंदर, और ये पूरा भी यहाँ पूरी सफाई करते हुए, वैसे सभी ठीक है पर वहाँ फिल्टर की सफाई होते हुए। तो गाइस अब देखिए पूरा फिल्टर साफ हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या क्या इसके अंदर डालते हैं। तो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, पहले तो ये बेस में स्टोन डाल देता हूँ ताकि, तो ये सबसे पहला बेस है मेरा स्टोन्स का। स्टोन्स के बेस डालने के बाद ये सारे स्क्रब्स हैं, काफ़ी सारे स्टोन, देन स्पंजेस। अब इनके स्पंजेस के बाद डाल रहा हूँ ये हमारा ये वाला स्पंज का लेयर, ये कुछ इस तरीके से इसमें आ गया। अब इसके बाद जाएंगे ये पूरे हमारे जो माउंटेन ट्री के बायोमीडियाज हैं जो मैंने आपको पहले ही दिखाए थे, ये हैं पूरे माउंटेन ट्री के बायोमीडियाज। एंड देन इसमें सेरेमिक रिंग्स एंड एक्टिवेटेड कार्बन है, ये हो गया इस हिसाब से। उसके बाद ऊपर से और ये जाएंगे सिरमत रिंग्स प्लस। अब इसके ऊपर मैं लगा दूंगा जो हमारा आपने देखे रूट्स जो मैंने दिखाए थे, रूट्स वाला जो स्पंज एरिया है पूरा, वो रूट्स यहाँ पे इसके ऊपर लगा दूंगा और इससे पूरा फिल्टर होके अच्छा से निकलता है। तो गाइस हालत ख़राब हो गई है अभी इसकी, हमने ऑलमोस्ट सफाई कर दी है, फिल्टर बना दिया जो लगा रहा हूँ मैं। तो आपको जो बता रहा था कि इसके ऊपर अब ये पूरे रूट्स आ जाएंगे जो आप ये देख सकते हैं, रूट्स पूरे तरीके से इसके ऊपर, ताकि ये रूट्स एक नेचुरल फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो गाइस ये देखिए मैट पूरा क्लियर हो गया है, अब इसमें हरदम पानी भरना स्टार्ट करता हूँ और थोड़ा रिंस करना स्टार्ट करता हूँ। फिल्टर लग गया है, प्लांट्स लग गए हैं। तो गाइस अब देखिए पानी भरने लग गया है और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने एक नया प्लांट बॉन्साई जो थोड़ा एक डेकोरेशन के लिए लगा दिया है बुद्धा जी के बगल में, ये प्लांट सेट कर दिए। ये देखिए यहाँ पर नेचुरल पूरा ये सेट कर दिए, धीरे धीरे ये पूरा बड़ा होगा, ये रूट्स हैं इसके, तो ये रूट्स भी बड़े होंगे तो अच्छा लगेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बता दूँ, जब भी आप पानी चेंज कर रहे हैं तो मैं ये पैरासिडॉल डालता हूँ। बाय द वे कभी नोटिस नहीं किया मैंने, अब जब वो फिश आ गई मेरे पास तो इसमें हर पैरासिडॉल में एक सुई सुई बना होता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ओरिजिनल। तो ये पैरासिडॉल पैरासाइट्स इन सब के लिए, तो ये देखिए मैं इतना ऑलमोस्ट डाल दे रहा हूँ, और उसके बाद अब मैं डालूंगा ये ग्रीन मेडिसिन, ब्लू मेडिसिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डाल दीजिए ताकि कोई भी फंगस या एंटी ईच, तो ये सब अच्छा ही रहेगा क्योंकि नया पानी है। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से डाल दिया और अब ये डालूंगा ब्लू मेडिसिन। चलिए इनको भरने देते हैं और फिर उसके बाद फिश चेंज करना स्टार्ट करेंगे। फिश चेंज बोल रहा हूँ मैं, रोल फिश को हम शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो भाई अब मैं इसका पानी ऑलमोस्ट इसमें से 25% सेम पानी डाल रहा हूँ, बिकॉज इसके अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया और जो इस पानी का
एक बायोलॉजिकल एक साइकिल बनी हुई है, तो वो हेल्प करेगा इस पानी में दोबारा, नहीं तो अगर कम्प्लीटली पानी चेंज कर देंगे तो आपकी फिशेज मर सकती हैं। फॉर दैट रीजन मैं इसका ही पानी वापस डाल रहा हूँ। तो भाई चलिए अब फिश को हम ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करते हैं। अब तो एक साथ आ जाएंगी, पहले तो पकड़ना मुश्किल था। जब तक मिनी पॉन्ड रेडी हो रहा है और पानी उसका भर रहा है, क्लियर हो रहा है, तब को जल्दी से आपको अपना ग्लिम्स दे देता हूँ बाकी फिशेस की। ये है मेरी रेड हल जो फ्लोरॉन है, आप देख सकते हैं, तो ये काफ़ी प्यारी है। एंड दिस इज़ इन अबाउट 3 feet एक्वेरियम है इसका, और ये आप देख सकते हैं नीचे है मेरे पास ये मेरी जाइंट गुरामी जो अभी बड़ी हो रही है और काफ़ी अच्छा कर रही है। इनफैक्ट जो फ्लोरॉन के बारे में जानना चाहते हैं इसका मैंने पूरा 7 months का अपडेट दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। चलिए अब ले चलता हूँ मैं अपने इंडोर पॉन्ड के पास जहाँ पे ऑस्कर्स हैं, पैरट्स हैं, टर्टल है, इगुआना है। ये है मेरा इंडोर जो मैंने पूरा नेचुरल प्लांटेशन दिए है और प्लांट्स लगाने हैं और यहाँ पर लगा रहा हूँ। और ये इसमें देखिए, वो देखिए आप, और ऑस्कर्स देख सकते हैं, पैरट फिश देख सकते हैं, वो घूम रहा है, वो मेरा टर्टल है इसके अंदर, वो देखिए घूमते हुए ये रहा। एंड दिस इज़ माई एल्बाइनो इगुआना, एल्बाइनो इगुआना है, एंड आपको हाथ में दिखाता हूँ मैं। दिस इज़ माई एल्बाइनो इगुआना, एंड एक और रेड इगुआना भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो यहाँ बैठा हुआ है। तो उनका पूरा इनक्लोजर ऐसा है, मस्त आके यहाँ पूरे बैठते हैं। ये है मेरा रेड इगुआना, ये आपने देख लिया अल्बाइनो तो यहाँ बैठा हुआ है, और ये रहा मेरा रेड इगुआना जो अभी शेडिंग पे है, तो आप कलर डिफरेंस देख सकते हैं इसका, और ये बढ़िया कर रहा है। चलिए अब आपको मिनी पॉन्ड के पास ले चलते हैं, फिर वहाँ हम वीडियो को एंड करते हैं। गाइस अब देखिए क्या क्लैरिटी है, वाओ, आप नीचे तक एक एक स्टोन देख सकते हैं और कितना क्लियर लग रहा है पूरा वो बॉन्साई ट्री और ये सब। तो ये पूरा एक बालकनी व्यू हो गया होल पॉन्ड का। चलिए इनको मैं खाना डालता हूँ, आपको वो भी दिखा देता हूँ तो कितने मस्त तरीके से सब खाएंगे ये। ये देखिए, वाओ, दिस इज अ हेवन फॉर द कोई फिश लवर्स। गाइस चलिए मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले, जो पहली बारी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि आप अगर ऐसा कुछ सेटअप करना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा, ये इंटेक्स पूल बोलते हैं इसको, ये आपको अमेज़ॉन में मिल जाता है ऑनलाइन ऑर्डर करके, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यू कैन सेटअप दिस समवेयर इन द रूम, तो आपने अंदर भी देखा, तो आप बेसिकली ये 122 सेंटीमीटर, तो इसका, और हाइट है इसकी 30 सेंटीमीटर, और इसमें आप इजीली 350 लीटर्स टू अप टू 400 लीटर्स पानी इसमें आ जाता है। बाकी फ़िल्टर आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। एंड ये जो आपको नेट मैंने पहले अपने टर्टल के लिए लगाया हुआ था कि वो बाहर ना निकल जाए, प्लस अभी भी एज अ बड़े बर्ड्स से एज अ प्रोटेक्शन वर्क करता है, तो ये भी अमेज़ॉन में मिल जाता है, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो गाइज़ अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है सब्सक्राइब करना, बट मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिल जाता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। एंड आपको ऐसा और भी कंटेंट देखना है तो बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको उसके रेगुलर अपडेट आते रहेंगे। एंड बाकी आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, एंड आसपास ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करते रहिए। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।